नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। हॉट सीट नागौर में इस बार दो महिलाओं के बीच चुनावी मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आरएलपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने के बाद पार्टी यहां से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को ही चुनावी मैदान में उतार सकती है और ऐसा है कि उनका राजनीतिक पदार्पण अब संभव है। भाजपा ने इस सीट पर ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, इससे महिला वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया है। आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में रोड़ा बने दिव्या मदेना और हरीश चौधरी के विरोध के बाद अब गठबंधन की उम्मीदें कम ही नजर आ रही हैं। अब ऐसे में पार्टी ने प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली नागौर सीट से पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को ही मैदान में उतारने का मन बना लिया है। सवाल उठता है कि कनिका को ही आखिरकार में हनुमान बेनीवाल क्यों लाना चाहते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल के अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे सबसे बड़ी वजह भरोसा मानी जा रही है, क्योंकि बेनीवाल ने अब तक जितने भी नेताओं को पार्टी से टिकट दिया है और लड़वाया है वे देर सवेरी सही लेकिन पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। हाल ही में उम्मेदाराम बेनीवाल इसका उदाहरण है। उन्होंने आरएलपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और पुखराज गर्ग ने बीजेपी का भी दामन थाम लिया। ऐसे में बेनीवाल ने अपने भरोसेमंद को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। एक वजह है महिला वोटर्स को साधना। यहाँ इस बार महिला मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है। नागौर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि 8 विधानसभा में कुल मतदाता 21,42,941 हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 11,07,801 हैं और महिला मतदाता 10,35,128 हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 12 है और इसी प्रकार राजसंबंध में भी ऐसे ही कुछ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मेड़ता डेगाना विधानसभा में भी 5,53,033 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,85,000 है। उसके साथ ही महिला मतदाता 2,67,946 हैं और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 2 है। इससे साफ है कि बेनीवाल की कोशिश महिला वोटर्स को साधने की भी है। वैसे तो कनिका कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में हनुमान बेनीवाल के साथ मंच पर नजर आ चुकी हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति से भी अब तक दूर रही हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी पर इस बार दाव खेलेंगे और क्या हनुमान बेनीवाल की पत्नी ज्योति मिर्धा का सामना कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।